हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल, नहीं लागे कोई मोल, सुबह शाम दिन रात हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, आप सबका दास, आपका अपना दास दीपक अग्रवाल, दिल्ली अपने निवास स्थान दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को एक नए हरि भाव के साथ। देखिए, अक्सर हम भटकते रहते हैं, जीवन में भी आके भटकते हैं, माया के लिए भी भटकते, सारी भागदौड़ माया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की है, सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं पता इस चाहिए में दुख कितना है। और अनंत जन्मों से हम अपना रूप बदल रहे हैं, कभी कुत्ता कभी बिल्ली, कभी अलग अलग प्रकार के हम जीवों में बदलते जा रहे हैं, अपना रूप बदलते जा रहे हैं। वस्त्र जिस तरह हम रोज कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही अपने कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनि में नए नए जीवन में विचरते रहते हैं। और यही हमारे पतन का कारण है, भोग वासना ही पतन का कारण है। इस चीज से एक बात समझ लीजिए, हरि भक्ति के सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, हरि नाम ही हमें पार लगा सकता है, राम नाम ही, श्री कृष्ण नाम ही, लक्ष्मी नारायण श्री हरि नाम ही हमारा पार लगा सकता है। तो भैया दास, आप एक बहुत सुंदर भाव लाया, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि राम नाम में रम जा। देखिए, राम नाम में रम जाओगे तो क्या क्या होगा, समझने वाली बात है, तो ध्यान दीजिएगा। बड़े सुंदर भाव है मेरे प्रभु श्री राम के, बोलो जय सियाराम जय सियाराम जय हनुमान। तो कान में हैंड फ्री लगा के, दोनों कान में ध्यान से मन से सुनिएगा, भाव मन में ना उतरे तो बोलना, जीवन की सच्चाई। राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, जन्मों जन्म से योनियों में तू, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो। जय सिया राम। देखिए मैंने क्या बोला है, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा, यही बात है जो मैं इस भाव में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जन्मों जन्म से योनियों में तू, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो। यही जीवन की सच्चाई है जो मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पापों की गठरी तू ला दे, काहे जग में भटक रहा, पापों की गठरी तू ला दे, काहे जग में भटक रहा, माया की तू चाकरी करके काहे पाप बटोर रहा, यही माया है दुख का कारण, यही माया है दुख का कारण, जो तू दुख ये भोग रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो। जय सिया राम, हरि बोल हरि बोल, नहीं लागे कोई मोल, यही जीवन की सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है, ध्यान दीजिएगा। तेरे कर्मों का ही फल तू जग में भोगने आता रहा, तेरे कर्मों का ही फल तू जग में भोगने आता रहा, जैसा कर्म तू करके आया वैसा फल तुझे
बस तू समझ ले जरा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा। जन्मों जन्म से योनियों में तू, जन्मों जन्म से योनियों में तू अपना रूप बदल रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो, काहे को तू भटक रहा, राम नाम में रम जा रे अब तो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई, हम अपने दुख का जिम्मेदार किसी और को ठहराते, मुझे पुत्र से, मुझे पुत्री से, बेटे से, माँ बाप से, यार दोस्त से, दुनिया वालों से दुख मिले। सच तो ये है, हमें हमारे कर्मों के अनुरूप वो दुख मिले, सुख भी हमारे कर्मों के अनुरूप, दुख भी हमारे कर्मों के अनुरूप। ये सबसे बड़ी कायरता वाली बात है। आप ये कहते हो कि तेरी वजह से मेरे को दुख मिला, नहीं, प्रभु जरिया बनाते हैं, किसी ना किसी से दुख दिलवाते हैं, ना किसी के जरिए से सुख पहुँचाते हैं। याद रहे, यही कर्मों का फंडा है। माँ बाप, बेटा, बहू, सास, नाना, नानी, ये कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। पूर्व जन्म में जो आज तुम्हारे पिता, तो पूर्व जन्म में तुम्हारे बेटे भी हो सकते हैं। इस जन्म में जो तुम्हारी बीवी है, पिछले जन्म में तुम्हारी माँ भी हो सकती है। पिछले जन्म में जो तुम्हारी, जो जन्म में तुम्हारी बीवी है, पिछले जन्म में वो तुम्हारा पति है, तुम उसकी बीवी हो सकती हो। जो आज तुम्हारा बेटा है, वो पिछले जन्म में तुम्हारा भाई हो सकता था। यही कर्मों का फंडा है। ये तो शुक्र मनाओ बंसी वाला हमारी पुरानी याददाश्त भुला देता है। पता चला है, जो आज हमारे पास बीवी है ना, पिछले जन्म में हमारी बहन थी। अब बताओ क्या करोगे? ये जीवन की सच्चाई है। ये ही प्रभु आपको एहसास करवाते हैं, कर्मों से कोई नहीं बचा, समझे? इसलिए अपने कर्मों का दोष दूसरों में मढ़ना बंद करो। जैसा कर्म तुम करके आए हो, वैसा ही प्रारब्ध आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, योनियों में भटकना पड़ता है, अनंत काल तक भटकना पड़ता है। गलती से पेड़ पहाड़ बन गए ना, पेड़ पहाड़ की 20 लाख वो होती हैं प्रजातियां, 20 लाख जन्म मिलता है और अरबों वर्षों तक उनकी आयु होती है। एक एक पेड़ की पता ना, पहाड़ की हजारों वर्षों की, एक एक योनि अलग अलग बदलती है। तो अब भी वक्त है, जाग जाओ, इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाओ, मुक्ति पाओ, राम नाम में रम जाओ, गोविंद के हो जाओ, हरि के हो जाओ। मैं फिर बोलूँगा, हरि से बड़ा ना कोई हमारा, हरि है हमारा सच्चा सहारा, हरि ही हर लेता है दुख हमारा, हरि ही हर दुख में साथ निभाता है हमारा। तो कर लो हरि से यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। हरि मतलब गोविंद, हरि मतलब राम, हरि मतलब लक्ष्मी नारायण। श्री हरि से नाता जोड़ो, दुखों से नाता जोड़ो, यही भवसागर से पार लगाएंगे, यही हमारे दुख के सच्चे साथी हैं। याद रखना, सिवाय हरि के तुम्हारे, तुम्हें दुख से, संकट से कोई नहीं उबार सकता। एक बात याद रखना, जितनी दुख तकलीफ आपको, पीड़ा कष्ट मिल रहा है, वो आपके पापों के कारण मिल रहा है। और पापों का नाश सिर्फ हरि नाम ही कर सकता है। जिस तरह आपका बुखार होता है, बुखार में आप क्रोसिन की गोली खा लेते हो, लेकिन वो बुखार खत्म नहीं होता, डॉक्टर के पास जाके पूर्ण इलाज कराना पड़ता है। क्रोसिन खा के 2-3 घंटे के लिए आपको बुखार नॉर्मल हो जाता है, फिर बुखार का जो पूर्ण इलाज होता है, चाहे वो मलेरिया हो या कोई बीमारी हो, टाइफाइड हो, फिर आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ताकि सही दवाई से आपका पूर्ण रूप से वो बीमारी का नाश किया जाए। इसी प्रकार से आप हरि नाम जब तक नहीं जपोगे, दुनिया भर की कितने भी आप बीमारी, दुख की दवाई खा लो, जितने भी आप टूने टोटके करा लो, नहीं निजात मिलेगी। मेन जड़ है आपका पाप, और जब आप हरि शरण में जाओगे, तो हरि शरण में, हरि नाम से पापों का नाश होता है। और जो आपको दुख तकलीफ, शारीरिक कष्ट, रिश्तों में जो डरा रही है, जिस पाप के कारण उत्पत्ति होती है, वो पाप जब नष्ट हो जाता है, तो आपके पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। इसलिए कर्मों से डरो, परमात्मा से नहीं। गोविंद की शरण में तो आजादी है। निर्भय जो हो जाता है, निर्भय जिसकी शरण में हो जाता है, इंसान परमात्मा की शरण में आके निर्भय हो जाता है, वो गोविंद का नाम है, वो राम का नाम है। गोविंद की शरण में कोई डर नहीं, निर्भय हो जा। गोविंद कहता है, मेरी शरण में आके निर्भय हो जा, मतलब तू मेरे से भी मत डर, बस निर्भय होके मेरा नाम जप, मेरा कीर्तन कर, मेरे ध्यान में मगन रहे। ये दास तो हमेशा अपने गोविंद में, अपने नाम, अपने राम श्री हरि नारायण में रहता है। ठीक ले, मैं हमेशा एक बात, मैंने पिछले एक भजन सुनाया था, उसके 2 लाइन सुनाता हूँ। जप ले हरि का नाम रे, हरि आए काम रे, जप ले हरि का नाम रे, हरि आए काम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जप ले हरि का नाम रे, हरि
हरि बोल, यही आनंदमय में डूबा रहता हूँ। मेरे हरि श्री गोविंद, मेरे राम, मेरे हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सदा अपने प्रेम रस में डुबाए रहते, वही तो राधा रानी मन में आके भाव देती, मेरे प्रभु राम लिखवाते और आप तक पहुँचाते। मैं जग गया हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ, चलो हरि की शरण में, क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है, घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद, मेरे श्री हरि लक्ष्मी नारायण सीता राम को बचाना है। तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, तो गोविंद से नाता जोड़ो, दुखों से नाता तोड़ो, जो राधे राधे गाता वही गोविंद को भाता। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गोविंद की शरण में चलो, हरि की शरण में चलो, ये मान पद प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाप ही देगी। मैंने दुखों का जिक्र किया है, क्योंकि सुख से भी तुम्हें दुख मिलते हैं, धन संपत्ति मिलती है, सुख आएगा, तुम्हारा पुण्य एक्टिव हो गया, सुख आएगा, सुख में फिर आप भोग वासना करोगे, मद मदिरा मांस अय्याशी करोगे, डेफिनेटली करोगे, और कलयुग तो वैसे भी है, फिर क्या होगा, उससे पाप एक्टिव होगा, पाप से फिर आपको दुख मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ दुखों का जिक्र किया कि ये शास्त्रों में धरती को दुखाल्य बोला गया, ये सुखाल्य नहीं, दुखाल्य, दुख यहीं पे है, और अनंत की जो प्रकाश तारस धारा है वो गोविंद के गोलोक धाम, श्री राम के साकेत धाम और विष्णु हरि के वैकुंठ धाम में। तो इसलिए गोविंद की तरफ चलो, मेरे नारायण की चलो, आगे आपकी बुद्धि, आपका विवेक जैसा आपको सही लगे। आप में से जो भी हरिभक्त मुझसे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पे, ये दास उनका धन्यवाद करता है कि आपने इस दास पे विश्वास किया। आप भी जो हरिभक्त जुड़ना चाहती हैं, 9212382938 पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, राधे राधे लेके नाम डाल दीजिए, मैं वॉइस मैसेज में थोड़ा परिचय लेके आपको जोड़ दूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष, मैं हर एक को जोड़ के चलता हूँ, लेकिन थोड़ा परिचय लेके चलता हूँ। भाव अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा मेरे साथ, गोविंद की गलियों में चलिएगा, जो राधे राधे कहता है गोविंद की मस्ती में रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, खुश रहो, आनंदित रहो और मुस्कुराते रहो। थिंक पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। गोविंद की मस्ती में रहो और राधे राधे कहो, श्री राधे, श्री राधे।